कोविड 19 के संक्रमण के बचाव के लिए बनाई गई निगरानी समिति के नोडल अधिकारियों की बैठक मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि निगरानी समिति का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। निगरानी समिति सबसे पहले अवगत कराएगी कि उसके वार्ड, ग्राम, मोहल्लों में कोई बीमार तो नहीं है, क्वारंटाइन किया गया व्यक्ति सही है या नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन के बाद उनके घरों पर क्वारंटाइन का पोस्टर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि किसी भी मरीज के पॉजिटिव होने की सूचना सर्वप्रथम निगरानी समिति के माध्यम से आनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि क्षम नहीं किया जाएगा। बैठक में मंडल के सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं शासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी मौजूद रहे। नंबर वन कहता हूँ कि ये चारों जनपदों में बन गई होगी, नोटिफाई हो गई होगी। यदि नहीं है, आपके जिलाधिकारी आज आपको नोटिफाई कराएंगे, कोई मतलब नहीं। नंबर दो है, वो है कि जमीन पर इन निगरानी समितियों को उतरना होगा, काम करना होगा। निगरानी समिति के क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से कोई पॉजिटिव केस आता है और वो निगरानी समिति ने उसको बताया नहीं है, तो हम पूरे निगरानी समिति के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि ये क्यों हुआ। वो चाहे ग्राम प्रधान बताएगी कि यहाँ ये बीमार है, और यदि उसने नहीं बताया और मुझे किसी और सोर्स से, मुझे मतलब प्रशासन को किसी और सोर्स से पता चलता है, तो हम ये मानेंगे कि निगरानी समिति अपने कार्य करने में विफल रही है। मैसेज कम्युनिकेट कर दें, जिस भाषा में करना हो, जिस मोड से करना हो, जितनी गहन और सीरियसनेस के साथ करना है कर दीजिए। निगरानी समिति का उत्तरदायित्व होगा उसके कार्य क्षेत्र में कोई केस पॉजिटिव यदि आता है या कोविड से संदिग्ध कोई मरीज आता है उसके बारे में सूचना देना। सूचना किसको देगा? निगरानी से, वैसे गाइडलाइंस आपकी होगी, निगरानी समिति सूचना SDM को दे सकती है, तहसीलदार को दे सकती है, नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों को दे सकती है, वो CEO को दे सकती है, जिला के कंट्रोल को दे सकती है, CMO को दे सकती है, इनमें से किसी को भी दे सकती है, पर वो सूचना जरूर दे। अब सूचना किस प्रकार देगी उसको भी आप देखेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि चारों जिलों में नोडल अधिकारी और यदि उनके सहायक नोडल अधिकारी हैं, मुझे बताया गया है कि कुछ जनपदों में नोडल अधिकारी और सहायक नोडल हैं, जिसके यहाँ इसकी नोडल सहायक नोडल समितियों की बैठक करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको सूचित कर देंगे, और CDO यदि हैं दायित्व में या जो भी हैं वो BDO के साथ कर दें, जिससे कि BDO एक टर्म GP सेक्रेटरी का। मैं पुनः कह रहा हूँ, जो डायरेक्टिव लीकेजेस जिसे बोलते हैं कि मैंने डायरेक्शन DM को दिया, DM ने CDO को दिया, CDO ने BDO को दिया, BDO ने GP सेक्रेटरी को दिया, और हर स्टेज पर जो 5% का लीकेजेस होता है वो इसमें बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस समय यदि कोई है मेरी नज़र में, वो निगरानी समिति, और उल्टा हो रहा है, हम उसका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ट्रेनें भर भर के आ रही हैं, आज 8-2 6 ट्रेनें आई हैं, बाकी 2 ट्रेनें हमने गोंडा में डाइवर्ट की हैं, लेकिन उसमें भी गोरखपुर के लोग हैं, उसमें भी देवरिया के लोग हैं, उसमें भी कुशीनगर के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 4 प्रांतों से बसेज आ रही हैं इलेक्ट्रिक कोचेज में, और भी जगह से शुरू हो रही होंगी। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, अनुरोध डायरेक्शन जो भी है, निगरानी समिति कल से फुली एक्टिव होनी चाहिए।